दोस्तों ऐसा नहीं होता कि जितने मिनट की वीडियो बन गई उतने मिनट की YouTube पर डाल दो और आपके अच्छे व्यूज आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको ड्यूरेशन देखनी पड़ती है कि वीडियो कितने मिनट की डालनी है। वो मैं सारा एल्गोरिथम के हिसाब से विद लॉजिक विद प्रूफ सारा समझा देता हूँ आपको, ध्यान से समझ लेना आप लोग, आपको सारी चीज़ें अभी समझ में आ जाएंगी। दोस्तों जब आपका चैनल न्यू है, क्या है आपका चैनल न्यू है, नया चैनल है, उस टाइम पे आपको छोटी वीडियो डालनी है। मैं सारे स्टेप बताऊंगा कब बड़ी डालनी है कब छोटी डालनी है, ठीक है। न्यू चैनल है तो आपको छोटी डालनी है, कितने मिनट की डालनी है, या तो आप 3 मिनट की डालें या फिर आप 5 मिनट की डालें, ठीक है। इससे ज़्यादा ना मतलब बड़ी ना डालें, इसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। इसलिए आपने 3 और 5 मिनट की डालनी है छोटी वीडियो, क्योंकि शुरू में आपके पास सब्सक्राइबर तो है नहीं है, लोग आपको जानते नहीं हैं, आपकी फेस वैल्यू नहीं है, ठीक है। वो आपकी बड़ी वीडियो 8 मिनट की या 10 मिनट की क्यों देखेंगे, है ना, ठीक है। वो 8 मिनट की और 10 मिनट की आपकी वीडियो नहीं देखेंगे, इतना लंबा दुरानिया नहीं रुकेंगे। वीडियो कब वायरल होती है, जब लोग ज़्यादा देर तक आपकी वीडियो पे टिके रहते हैं। अब देखो यहाँ पे एक वीडियो आपके 8 मिनट के, उस पर ज़्यादा देर नहीं टिकेंगे, पहले नंबर पे क्लिक ही नहीं करेंगे, बड़ी देख के कोई और 10 मिनट की वीडियो है पता नहीं कैसी होगी, क्योंकि आपने अभी अपना एतबार और एतमाद बनाया ही नहीं है, है ना। तो इसलिए आपने छोटी डालनी है स्टार्टिंग में। जब आपका चैनल ग्रो हो जाए, जैसे अब मेरा ग्रो हो चुका है, अब मैं 20 मिनट की भी डाल दूंगा, लोग देख लेंगे, क्योंकि लोगों को पता है यार ये इसरार जो चीज़ बताएगा ठीक बताएगा, ये ऐसे समझाता है, मतलब लोगों के जहन में एक चीज़ बैठ चुकी है मेरे बारे में एक कॉन्सेप्ट, इसलिए वो फॉलो वॉच कर लेंगे, मेरी वीडियो रैंक करेगी। लेकिन आप अभी न्यू हो तो छोटी डालनी है। अब और मैं आपको चीज़ें बताता हूँ इसके बारे में फैक्ट। दोस्तों यूट्यूब भला क्या कहता है, यूट्यूब कहता है कि आपकी वीडियो पर जितना ज़्यादा वॉच टाइम आएगा ना, जितना ज़्यादा क्या आएगा वॉच टाइम, ये वॉच टाइम मैं आपको समझाता हूँ डिटेल से, जितना ज़्यादा वॉच टाइम आएगा उतनी ज़्यादा आपकी वीडियो को हम रेकमेंड आगे करेंगे, ठीक है। अब ये वॉच टाइम का मतलब होता है एवरेज व्यू ड्यूरेशन, एवरेज व्यू ड्यूरेशन, ठीक है। जो मतलब आपकी वीडियो ज़्यादा देर तक देखी है लोगों ने, लेकिन उस पर एवरेज व्यू ड्यूरेशन ज़्यादा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी एक है 5 मिनट की वीडियो, लोगों ने उसको देखा है हाफ, कितना देखा है हाफ, ठहर के सलीम भाई, आपकी वीडियो है 5 मिनट की, लोगों ने उसको देखा है हाफ, कितना देखा है हाफ, उसका एवरेज व्यू ड्यूरेशन आएगा 2.5 मिनट, है ना। अब आपकी वीडियो है 10 मिनट की, लोगों ने उसको देखा है हाफ, कितना देखा है हाफ, तो उसका एवरेज व्यू ड्यूरेशन कितना आएगा 5 मिनट। तो दोनों को देखा तो हाफ हाफ है, लोगों ने पूरा नहीं देखा, ठीक है, मतलब एवरेज बता रहा हूँ मैं आपको। लेकिन आपकी ये वाली वीडियो यूट्यूब ज़्यादा रेकमेंड करेगा, ये यूट्यूब कहता है, यूट्यूब का ऐसा कहना है। लेकिन असल हकीकत भला क्या है, लोग ये समझते हैं कि अच्छा बड़ी वीडियो होगी, लोग ज़्यादा देर तक टिके रहेंगे, ज़्यादा वॉच टाइम आएगा और रैंक करेगी, तो इसका मतलब हमें बड़ी वीडियो बनानी चाहिए। इस चक्कर में क्या करते हैं, बड़ी वीडियो बना देते हैं और बड़ी वीडियो लोग देखते नहीं हैं और उनका CTR गिर जाता है। जब लोग ज़रा क्लिक नहीं करेंगे तो क्या होगा, CTR गिर जाएगा, इस वजह से भी नहीं रैंक करती। सिर्फ आपकी एवरेज व्यू ड्यूरेशन से वीडियो वायरल नहीं होगी, CTR भी मैटर करता है। अगर लोगों ने क्लिक ही नहीं किया, ठीक है, तो वो देखेंगे कैसे, ज़्यादा क्लिक नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपका CTR डाउन चला जाएगा। जब CTR डाउन जाएगा तब भी आपकी वीडियो रैंक नहीं करेगी। और दूसरे नंबर पर अगर क्लिक कर लेंगे तो आपकी वीडियो अगर मतलब है 5 मिनट में बात बताई जा सकती है, लेकिन आपने उसको खींच 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 कर 10 मिनट पे ले गए हैं, तो लोग बोर हो जाएंगे, छोड़ेंगे, आपका एवरेज व्यू ड्यूरेशन 2 मिनट आएगा या आएगा तकरीबन 1.5 मिनट, आपकी वीडियो नीचे जाएगी। तो कहने का मतलब ये है, जितने मिनट की बात है उतने मिनट में बताओ, 1 मिनट में वीडियो बन सकती है तो 1 मिनट की बनाओ, ये नहीं कि वो उसको खींच के 5 मिनट पे ले जाओ, मतलब फालतू चीज़ें सारी निकाल दो। अब मैं इसके कंक्लूजन पे आता हूँ कि आपको कितने मिनट की वीडियो बनानी चाहिए जो ज़्यादा रैंक करती है। दोस्तों मैं साढ़े तीन साल से यूट्यूब पर हूँ, आप लोगों को पता है सरार अहमद छीना वाले चैनल पर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की, और मैं मतलब उस पर काफ़ी एक्सपीरियंस मैंने किया है, चीज़ों का एक्सपेरिमेंट किया है। तो उससे मुझे जो पता चला ना, वो ये पता चला कि आपका बड़ा चैनल है या छोटा चैनल है, 5 मिनट की आपकी वीडियो ज़्यादा रैंक करती है, ये मुझे लगता है, क्योंकि 5 मिनट की वीडियो ज़्यादातर लोग क्लिक कर लेते हैं, एवरेज सा टाइम है। और क्या होता है,
दूसरे नंबर पे इसको देख भी मतलब कुछ लोग, ज़्यादातर लोग पूरा ही देख लेते हैं, जिसकी वजह से ये रैंक कर जाती है। तो मुझे जो टाइम लगता है वो 5 मिनट का, लेकिन ये पाबंदी नहीं है, अब बात है 10 मिनट की, अब आपसे 5 मिनट में आप बता ही नहीं सकते, उसको मजबूरी है तो आपने फिर 10 मिनट की ही बनानी है। बात 2 मिनट की है तो ऐसा नहीं है कि उसको खींच के 5 मिनट करना है, तो फिर आपने 2 मिनट की ही बनानी है। ये 5 मिनट उस टाइम पे है कि जब आपने कोई व्लॉग बनाया या कोई, जैसे ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं कोशिश करूंगा अगर कोई फालतू चीज़ें हैं तो मैं कट कर दूं जहां पे ऑडियंस बोर हो सकती है, तो इसको जितना छोटा हो सके उतना छोटा कर दूं, तब मैं 5 मिनट की बना सकता हूं। अदरवाइज अगर 5 मिनट की नहीं बन रही तो बड़ी बनाओ छोटी बनाओ चलेगा, लेकिन कोशिश करो कि 5 मिनट की बनाओ, इंशाल्लाह वो वीडियो आपकी रैंक करेगी और व्यूज़ आएंगे। दोस्तों यकीनन आप समझ गए होंगे कि आपको कितने मिनट की वीडियो बनानी चाहिए, फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।